प्रत्येक वस्तु शाश्वत नहीं है और प्रत्येक वस्तु जीव को सुख प्रदान करने वाली भी नहीं होती हैं। वस्तु को धारण करके भी व्यक्ति अभिमान को बढ़ा देता है। सुवर्ण सोना भूख नहीं मिटाता है, प्यास नहीं बुझाता, परंतु अभिमान व्यक्ति को बढ़ा देता है, उसका सरलता को खत्म कर देता है। और ऐसे अनेक प्रकार के भी अपनी सरलता से फूल भी जब कली के रूप में होता है तब उसको खुशबू नहीं फैलती है, जो वो स्वयं में खिल जाती है, वैसे ही खिलते ही सुगंध चारों तरफ फैल जाते हैं। ऐसे अहंकार घमंड आदमियों का भी प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु सरलता के कारण और नम्रता के कारण, क्योंकि नम्रता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनी चाहिए, क्योंकि माँ मृदुता मनुष्य को अपमान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करता है और अभिमान सबको घटाने के लिए काम करता है। इसलिए हमारे यहाँ स्पष्ट कहा कि आपको अष्ट मदों से रहित होकर के स्वभाव में विनय नम्रता के भाव जब जब प्रकट हो जाते हैं तब कहते हैं, ऐसे विनयशील नम्रशील व्यक्ति को कहते हैं कि मार्दो गुण उस व्यक्ति के अंदर प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं ऐसी मार्दो सभी में आ सकता है, परंतु उत्तमाति उत्तम मार्दो धर्म है, वो आना सबके लिए अनिवार्य है।